हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अथिकल शर्मा जी। सो आज की वीडियो में हम करेंगे हु इज़ यूटिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ ही हैं, बहुत यूज़फुल हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रेस रूट, जो कि जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है नेटवर्क डीबगिंग में, ऐसे ही हु इज़ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो डोमेन नेम्स, देखो ये कह रहा है द अनसंग सेवियर्स ऑफ द इंटरनेट। सो ये कह रहा है कैन यू इमेजिन हाउ इट वुड फील टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस। यस, बहुत सही बात है। देखो हम एज अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ना ज़्यादातर चीज़ें याद करने में, स्पेशली आईपी एड्रेसेस, लेट्स से अगर मैं गूगल की जगह मैं एक लंबा चौड़ा आईपी एड्रेस याद रखूँ, फेसबुक की जगह आईपी एड्रेस याद रखूँ, तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किस किस के आईपी एड्रेसेस में याद रखूँगा। इसीलिए डोमेन नेम काम आता है, राइट? तो इसीलिए कह रहा है कि फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट डोमेन्स। यस, इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट डोमेन्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि याद नहीं रहती थी आईपी एड्रेस। तो ये कह रहा है कि हम देखते हैं कि आपका कि एक डोमेन होता है वो ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में, सो दैट वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट ऑफकोर्स। और जो डोमेन होते हैं वो डोमेन कौन सी कंपनीज करती हैं, वो करती हैं डोमेन रजिस्ट्रार्स। जो डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं वो डोमेन लीस आउट करते हैं कि कहीं और तो कोई यूज़ नहीं कर रहा। सो इफ़ यू वांट अ डोमेन यू गो एंड रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार, देन लीज द डोमेन फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हु इज़ की। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था कि कैसे होता है, डोमेन रजिस्ट्रार का काम देखा था। अब हम हु इज़ की बात करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक तरीके से आपकी एक यूटिलिटी है, इसका एक वेब वर्जन भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हु इज़ लुकअप कैसे परफॉर्म करा जाता है। अगर आप लिनक्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ अभी काली को, तो उसमें हु इज़ होता है ऑलरेडी, बट इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐसे sudo apt update एंड sudo apt get install हु इज़। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने का इसका जो सिंटेक्स है वो है हु इज़ स्पेस और डोमेन नेम। जैसे हु इज़ स्पेस google.com, हु इज़ स्पेस facebook.com। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या क्या देता है, देखो डोमेन नेम, डेटा वैलिडेशन, रजिस्ट्रार बता देता है कहाँ पे रजिस्टर है ये, उसकी डेट्स बता देता है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस बताया था, और उसके नेम सर्वर्स बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ कंपेरेटिवली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें डोमेन नेम मिल गया है, कंपनी मिल गई है, किसने रजिस्टर करा है। ठीक है, तो परफॉर्म अ हु इज सर्च ऑन facebook.com। तो हम करते हैं टर्मिनल को ओपन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, हु इज facebook.com। ये देखो काफ़ी सारी चीज़ आ गई है। देखो डोमेन नेम facebook.com, रजिस्ट्री डोमेन आईडी, हु इज सर्वर, रजिस्ट्रार यूआरएल, अपडेटेड डेट, क्रिएशन डेट, रजिस्ट्री एक्सपायरी डेट, डोमेन स्टेटस, नेम सर्वर्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं कंप्लीटेड। ओके, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेंट पोस्टल कोड फॉर facebook.com रजिस्ट्रेंट। ओके, तो रजिस्ट्रेंट पोस्टल कोड एक बार हम चेक करते हैं, इसको रजिस्ट्रार को हम करते हैं कॉपी, देखते हैं कहाँ की कंपनी है ये। ये है आपका 94025, एक बार ही चेक कर लेते हैं। करेक्ट, व्हेन वाज द facebook.com डोमेन फर्स्ट रजिस्टर। तो ये जो यूटिलिटी है ये एन्यूमरेशन के लिए है, डिटेल्स के लिए है, सो दैट इज़ वाई ये सारे ऐसे क्वेश्चंस करा रहा है। डोमेन कब रजिस्टर हुआ था फर्स्ट, ये रहा क्रिएशन डेट इज़ दिस 29/03/1997। परफॉर्म अ हु इज़ सर्च ऑन microsoft.com, तो जैसे हमने इसके लिए करा वैसे ही कर लेते हैं, हु इज़ microsoft.com। ओके, अभी कह रहा है विच सिटी इज द रजिस्ट्रेंट बेस्ड इन, कौन सी सिटी है, तो उसका देखते हैं रजिस्ट्रेंट क्या है। ये रजिस्ट्रेंट सिटी दे रखा, देखो रेडमंड।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गोल्फ कोर्स दैट इज नियर द रजिस्ट्रेंट एड्रेस? तो हमें रजिस्ट्रेंट एड्रेस मिल जाएगा इससे, रजिस्ट्रेंट एड्रेस ये रहा आपका WA98052 मार्क मॉनिटर है, ये है रेडमंड WA98052। चलो अभी इसको देखते हैं। व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड टेक ईमेल फॉर Microsoft.com? टेक ईमेल फॉर Microsoft.com इसमें कहीं है, ये रहा टेक, ये रहा MSNHST@microsoft.com MSNHST, ओह सॉरी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब देखते हैं गोल्फ कोर्स का एक बारी, गोल्फ कोर्स इन रेडमंड WA98052 विलोज रन गोल्फ कॉम्प्लेक्स, बेलेव्यू गोल्फ कोर्स, ये ट्राई करते हैं, बेलेव्यू गोल्फ कोर्स, करेक्ट, कंप्लीटेड। ओके, सो हमने कर लिया है कंप्लीटेड हुस यूटिलिटी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने नहीं करा हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। अगले वीडियो में करेंगे डिग यूटिलिटी को, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।